हाँ जी, रेडी एवरीवन? ओके जी, वेलकम बैक। अब जो हम सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक लेंथी सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को करने हैं, और ये पेपर भी आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। यहाँ पर आपके पास फिर वही 100 क्वेश्चन आएंगे OMR बेसिस पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनमें से आपको चुनना है। और जैसा कि पहले हम आप लोगों को टैक्स लॉस के पेपर के बारे में बता चुके हैं, यहां पर भी अब इस बार से नेगेटिव मार्किंग जो है वो की जाएगी। मतलब कि जो सही क्वेश्चन है उसका पूरा एक नंबर मिलेगा, और जो गलत आंसर अगर आपने दिया तो उसके लिए 0.25 मार्क्स क्या कर लिए जाएंगे, डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है जी। अब इस टॉपिक के अंदर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दो चीजें हमें करनी है, एक करनी है कॉस्ट अकाउंटिंग और दूसरा क्या करना है आपको, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो दो टॉपिक हो गए, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट डिटरमाइन करना, कॉस्ट को क्लासिफाई करना, कॉस्ट का इंटरप्रिटेशन करना, और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को कंट्रोल करना। क्या करना? ताकि हमारे में कॉस्ट कॉन्शियसनेस आए। जैसे अगर आप कहीं पर जाते हैं, ठीक है, रोज घर से ऑफिस जाते हैं, तो आप केयरलेसली पैसे तो नहीं खर्चते कि चलो ऑटो वाले ने जो मांग लिए दे दिया, टैक्सी वाले ने जो मांग लिए दे दिया। तो आप आकर के पूरे महीने का अपना खर्चे का हिसाब तो रखते हैं कि मेरा आने जाने का ऑफिस का कितना खर्चा होता है, और क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्या इसको हम बेहतर तरीके से खर्च कर सकते हैं, कि क्या कॉस्ट कम की जा सकती है और मेरा ट्रेवल जो है और ज्यादा सुविधाजनक किया जा सकता है। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आप हिसाब किताब रखें कि मेरा खर्चा कितना होता है और मैं कैसे जाता हूं, क्या है उसके बारे में कॉन्शियस रहे। ऐसे कोई बिजनेसमैन है, कोई इंडस्ट्री का ओनर है, कोई फैक्ट्री का मालिक है, तो फैक्ट्री में जो भी उसने प्रोडक्शन करनी है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर है, उसने जो सर्विसेज प्रोवाइडेड करनी है, उन सब की कॉस्ट की वो जानकारी रखे, उनकी अकाउंटिंग करे। क्या करे? एक एक खर्चे को अकाउंटिंग करे, लिखे, उसके बाद उनको क्लासिफाई करे और देखे कि क्या वो खर्चे कंट्रोल कर पा रहा है या कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो कंट्रोल करने के लिए आपको अपना एक टारगेट सेट करना पड़ता है, और फिर हर खर्चे के जो आपने किया उसका एक्चुअल हिसाब रखना पड़ता है, तब आप जाकर के देख पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे कि हमने खर्चे को कंट्रोल किया या नहीं किया। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मीन्स अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग भी करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी करते हैं, अब इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम किस प्रकार से जो मैनेजमेंट ने डिसीजंस लेने हैं, क्या लेने हैं, कि जैसे सेल्स प्राइस फिक्स करना है, हम गुड्स को एक्सपोर्ट करें या एक्सपोर्ट ना करें, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है कि नहीं, किसी यूनिट को बंद कर दें या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, ये सारे डिसीजन रोज मैनेजमेंट को लेने होते हैं। अब मैनेजमेंट क्या हवा में ही डिसीजन ले लेगी बिना किसी बेसिस के? उनके डिसीजन लेने के लिए भी उनके पास क्या होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन, स्टडी होनी चाहिए। और वो इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? वो हमारे कॉस्ट अकाउंट से आएगी, इवन वो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट से आएगी। तो उन्हीं के बेसिस पे मैनेजमेंट क्या लेती है? डिसीजन लेती है। तो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज अकाउंटिंग फॉर द मैनेजमेंट डिसीजन, अकाउंटिंग फॉर द। तो ये दोनों हमारे पास कंबाइंड आपके पास चैप्टर्स हैं। तो अगर आप ये देखेंगे यहां पर आपके पास चैप्टर्स की लिस्ट लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर हम चैप्टर्स देखते जाएंगे तो कम से कम आपके पास 22 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? अप्रोक्सीमेटली 22 टॉपिक्स आप लोगों को कवर करने हैं, राइट। तो देखने से ही पता चल रहा है कि हमारे पास क्या है, काफी लेंथ है, राइट। अब हमारे पास जो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। अगर सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है तो थ्योरेटिकली भी सब्जेक्टिव टाइप लिखनी पड़ती है, एसे टाइप आंसर प्रैक्टिकली करना पड़ता फुल कैलकुलेशन, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो भैया, जो थ्योरी आएगी वो थ्योरी आपने कोई एसे नहीं लिखना है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है थ्योरी की तो आप आंसर कर पाएंगे ये सही है या अंडरस्टैंडिंग करनी है रादर देन रट्टा लगाना, ठीक है कि नहीं। और दूसरी बात, जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो बहुत लंबे प्रैक्टिकल नहीं आएंगे। अब जैसे हम
सब्जेक्टिव टाइप पेपर में लंबा न्यूमेरिकल करते हैं तो उसके चार पांच अलग अलग स्टेप्स होते हैं, तो इनमें से हो सकता है किसी एक स्टेप के ऊपर न्यूमेरिकल बना के दे दिया जाए और उसके चार आंसर दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इसको आप क्या करिए, कैलकुलेट करके बताइए सही है या नहीं है। तो आइए हम आपके सिलेबस की शुरुआत करते हैं और शुरुआत हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से, और ये कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे पहला चैप्टर है, ये आपका बेस बनाएगा, ये सब चीजें आपको सारे कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक्स क्रिएट करेगा। तो अगर ये बेसिक्स आपको क्लियर हैं तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग को आसानी से अगले चैप्टर्स में समझ पाएंगे। मैं किसी भी ऑर्डर में कोई भी चैप्टर ले लूंगा तो भी आप समझ पाएंगे अगर आपका ये बेस क्लियर है तो, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कॉस्ट की, किसकी बात करते हैं, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट का मतलब है खर्चा, कॉस्ट का मतलब क्या है खर्चा। जैसे अगर आप यहां से, मैंने बोला ना आप घर से ऑफिस जाते हैं तो मैं बोलूंगा बेटा घर से ऑफिस जाने की कॉस्ट क्या है, तो आप यही तो समझेंगे कि खर्चा क्या है। या आप शॉपिंग के लिए गए थे तो मैं पूछता हूं कि आप कितना खर्चा करके आए, तो मैं यही पूछता हूं कि आप जो कपड़े लेके आए या जूते लेके आए या जो भी चीजें लेके आए, ग्रोसरी लेके आए, तो उस पर कितना खर्चा करके आए, कितनी कॉस्ट है, कितनी उसकी कॉस्ट है। तो कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा, खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर, खर्चा मतलब। इसी प्रकार जैसे हम हाउस होल्ड में खर्चे का ख्याल रखते हैं, ऐसे बिजनेस में भी खर्चे का ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट का ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉफिट किस चीज से निकलता है, प्रॉफिट आपके रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करते हैं, ठीक है कि नहीं, सेल में से खर्चों को माइनस करते हैं तभी तो प्रॉफिट निकलता है। तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो सेल्स बढ़ाओ या खर्चे घटाओ या दोनों ही कर लो, बहुत अच्छा है, रेवेन्यू बढ़ाते जाओ, कॉस्ट। अब कॉस्ट को अगर कम करना है, कॉस्ट को कट करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हमें जरूरी हो जाता है समझना कि कॉस्ट क्या है। कॉस्ट का मतलब हमने आपको बताया बेटा एक्सपेंडिचर, क्या बताया। अब फाइनेंशियल अकाउंट में बेटा हम जो कॉस्ट लेते हैं वो केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट लेते हैं, किसमें, फाइनेंशियल अकाउंट में, किसमें, एक्सप्लिसिट या अकाउंटेंट कॉस्ट, मतलब आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जो हमारा पैसा असल में खर्च हुआ है बस वही लेते हैं, एक्चुअल कॉस्ट लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में। बट कॉस्ट अकाउंट्स में हम एक्चुअल कॉस्ट भी लेते हैं और नोशनल कॉस्ट भी लेते हैं, क्या लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस शुरू किया, बिजनेस के लिए मुझे ऑफिस चाहिए था, वो ऑफिस मैंने अपने घर के प्रीमाइसिस में बना लिया, तो जब मैं बिजनेस के खर्चे निकालूंगा तो एक्चुअली मैंने जो पैसा खर्च किया वो तो देखूं जोड़ूंगा ही जोड़ूंगा, उसके अलावा जो मैंने घर का प्रीमाइसिस यूज किया, एक कमरा यूज किया ऑफिस बनाने के लिए, तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसकी भी नोशनल कॉस्ट, उसकी भी इंप्यूटेड कॉस्ट मैं जोड़ूंगा। कि मान लीजिए अगर ये कमरा मैं बिजनेस में ना यूज करता, किसी को किराए पे देता, तो मुझे कितना किराया मिलता, जो कि अब नहीं मिल रहा है, समझे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट दोनों तरह की आती है, एक्चुअल भी आती है और नोशनल भी आती है। फाइनेंशियल अकाउंट में केवल एक्चुअल कॉस्ट आती है, ठीक है, बट कॉस्ट अकाउंट में दोनों तरह की कॉस्ट लेते हैं, एक्चुअल भी और नोशनल, ठीक है, हाइपोथेटिकल कॉस्ट भी, इमेजिनरी कॉस्ट भी, राइट, ठीक है। इनके नोशनल कॉस्ट के ही ये नाम है, हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी, इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्या बोलते हैं इसको हम, ठीक है, और एक्चुअल या मॉनेटरी कॉस्ट को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है जगह जगह पर, समझते हैं इस बात को जी, कोई दिक्कत है तो बताइए आप, एक्सप्लिसिट कॉस्ट शब्द सुना, समझते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब कि भैया ऐसा है कि जैसे मैंने बोला आपने बिजनेस शुरू किया, घर में बिजनेस शुरू किया, तो आपने बिजनेस के ऊपर खर्च जो शुरू किया तो एक साल में 2 लाख रुपए खर्चे, क्या खर्चे आपकी, जैसे 2 लाख रुपए गए तो वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, क्या है, जो अकाउंटिंग में आएगी, जिसको आप अकाउंट्स करोगे। पर जो घर में आपने, जो घर के अंदर ऑफिस खोला, क्या उसके लिए आपने कोई किराया दिया, क्या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे फाइनेंशियल अकाउंट में, नहीं लिखेंगे फाइनेंशियल अकाउंट्स में, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में वही खर्चा लिखते हैं ना, जो खर्चा किया जेब से किया, जो खर्चा हम जेब से करते हैं उसी को अकाउंटेंट कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। पर आपका घर जो आपने दुकान की तरह से या ऑफिस की तरह से यूज किया, अगर आप ये यहां ना यूज करते तो किसी और को किराया देते, उसके शायद आपको महीने के 25,000 और साल के 3 लाख रुपए मिलते, तो 3 लाख रुपए आप अकाउंट्स में तो नहीं लिखते, बट इकोनॉमिक्स में हम इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या इंप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट या नोशनल कॉस्ट या इमेजिनरी कॉस्ट या हाइपोथेटिकल कॉस्ट, ये सब किस चीज के नाम है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट जो एक्चुअली में मैंने अपने जेब से खर्चा किया, एक्चुअल खर्चा, समझ में आ गई बात? तो कॉस्ट अकाउंट्स में एक्चुअल खर्चा भी आता है और नोशनल भी आता है। हाँ जी, इतनी बात समझ में आई। जब हम खर्चा करते हैं तो खर्चा किन चीजों पर करते हैं? बिजनेस में हम खर्चा करते हैं, बिजनेस की बात करता हूं मैं, मान लीजिए मैन्युफैक्चरर हूं, क्या हूं? मेरी फैक्ट्री है, तो मैं खर्चा करूंगा तो किन चीजों पर करूंगा? खर्चा हमेशा केवल तीन ही चीजों पर होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा केवल तीन चीजों पर होगा, या तो मटेरियल्स पे होगा, किस पे होगा, या किस पर होगा? लेबर। लेबर मतलब हम वर्कर्स को हायर करते हैं, उनको वेजेस देते हैं, लेबर कॉस्ट बोल लो या वेजेस बोल लो, या तो मटेरियल कॉस्ट आएगी या लेबर कॉस्ट आएगी। अब इनको छोड़ के जो भी खर्चा है, कोई ऐसा खर्चा जिसको मैं मटेरियल कॉस्ट नहीं बोल सकता, या कोई ऐसा खर्चा जिसको मैं लेबर कॉस्ट नहीं बोल सकता, कोई ऐसा खर्चा है जो कि ना मटेरियल कॉस्ट में आता है ना लेबर कॉस्ट में आता है, तो उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। एक्सपेंडिचर नहीं, एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर तो पूरी कॉस्ट हो गई, कॉस्ट का एक हिस्सा एक्सपेंस होता है। जैसे बिजली का बिल दोगे तो बोलिए क्या ये मटेरियल कॉस्ट है? बिजली का बिल दिया, क्या ये मटेरियल कॉस्ट है? नहीं। क्या ये लेबर कॉस्ट है? नहीं। तो क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन लगाई, तो क्या ये मटेरियल कॉस्ट है? क्या लेबर कॉस्ट है? नहीं, एक्सपेंस। रेंट दिया, क्या ये मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है? नहीं, तो एक्सपेंस। कोई खर्चा जिसको मैं एक्सक्लूसिवली ना तो मटेरियल बोल सकते हैं ना लेबर बोल सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम? एक्सपेंस। ठीक है, अब ये मटेरियल जो है या लेबर जो है, ये एक्सपेंस जो है, या तो ये डायरेक्ट हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं बेटा, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। जैसे मटेरियल है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये कैसे निर्धारित किया जाए, कैसे जाना जाए, कैसे डिसाइड किया जाए कि ये मटेरियल डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो मटेरियल डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, इसके यूज पर डिपेंड करेगा। इसके अब जिस काम के लिए आपने मटेरियल को यूज किया है, जिस काम के लिए आपने मटेरियल को यूज किया है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि मटेरियल डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। मान लीजिए आपने मटेरियल को यूज कर लिया, और मटेरियल जो है जो यूज आपने किया उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बना, क्या बना? तो ये मटेरियल उस फाइनल प्रोडक्ट का इंटीग्रल पार्ट है, उसका हिस्सा है। हम डायरेक्टली एसोसिएट कर सकते हैं कि ये फाइनल प्रोडक्ट इस मटेरियल से बना है। फाइनल प्रोडक्ट, जैसे हमने मान लीजिए रेडीमेड गारमेंट्स बनाए, तो ये शर्ट पॉलिएस्टर से बनी है, किससे बनी है? ये शर्ट कॉटन फैब्रिक से बनी है, ये शर्ट सिल्क से बनी है, तो हम बता सकते हैं ना कि ये शर्ट फलाने मटेरियल से बनी है, हाँ या ना? तो वो मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट का हिस्सा है। मैं बोलूं ये चेयर प्लास्टिक और आयरन, मोल्डेड आयरन से बनी है, तो ये प्लास्टिक और मोल्डेड आयरन जो है चेयर के अंदर क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट है, हम देख करके बता सकते हैं ये इससे बनी। मैं बोलूं मेरा जूता लेदर से बना है और प्लास्टिक के सोल से बना है, ये डायरेक्ट मटेरियल है। अगर जो मटेरियल यूज करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाता है, किसका हिस्सा बन जाता है, और फाइनल प्रोडक्ट उस मटेरियल से पहचाना जाता है, तो वो कौन सा मटेरियल? ठीक है, अब मान लीजिए एक फैक्ट्री में रेडीमेड गारमेंट्स बनते हैं, और गारमेंट्स को बनाने से पहले जो कपड़े की धुलाई की जाती है, डिटर्जेंट्स यूज होते हैं। अब डिटर्जेंट्स यूज होते हैं और पानी को उबालने के लिए हम क्या करते हैं? फ्यूल का यूज करते हैं, मे बी केरोसिन ऑयल या फिर एलपीजी या फिर कुछ भी और चीज। और कपड़ों से दाग हटाने के लिए हम स्टेन रिमूवर्स को यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं? तो ये मटेरियल फैक्ट्री में यूज हुए। हाँ, अब कपड़े की सिलाई करते हैं तो मशीनों में ल्यूब्रिकेंट्स चाहिए, क्या चाहिए? तो मशीनों में हम ल्यूब्रिकेंट्स डालते हैं, यूज हुआ, बिल्कुल यूज हुआ, ठीक है कि नहीं? अब कपड़े बनाने के लिए, मशीन चलाने के लिए बिजली चाहिए, तो बिजली भी यूज हुई, ठीक है कि नहीं? पर बिजली मटेरियल नहीं है, बिजली क्या नहीं है? तो अभी मैं मटेरियल पे रिस्ट्रिक्ट करता हूं, बिजली तो एक्सपेंस में आ जाता है, तो मैं मटेरियल की बात करता हूं। मैंने क्या बताया? डिटर्जेंट, फ्यूल, और क्या बताया मैंने? ल्यूब्रिकेंट्स, और मान लीजिए साफ सफाई के लिए गंदे मंदे जो कॉटन वेस्ट चाहिए, कॉटन वेस्ट या कपड़े, उनसे हम साफ सफाई करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये जो सब आइटम्स हैं, ये मटेरियल है। क्या ये
क्या ये फाइनल प्रोडक्ट का इंटीग्रल पार्ट है, क्या फाइनल प्रोडक्ट इनसे पहचाना जाता है? तो इस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे हमारे यहां केमिकल की प्रोसेसिंग होती है, उसको केमिकल की प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ताकि केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाए। क्या हो जाए? उनको बोलते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जो यूज करते हैं वो मटेरियल है, पर क्या वो फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा है? क्या फाइनल प्रोडक्ट उससे जाना जाएगा? नहीं। तो बेटा वो मटेरियल जो कि फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनता, और फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो इनडायरेक्टली यूज किया जाता है, इनडायरेक्टली हेल्प किया जाता है। जैसे तरह तरह के रेग मारे, तरह तरह के कटिंग ब्लेड्स हैं, ठीक है कि नहीं, ये सब चीजें भी यूज होती हैं, ये भी मटेरियल है। तो क्या ये फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा है? नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या बोलेंगे? तो बताइए बेटा, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल कैसे हम डिसाइड करें डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? जो मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा है, ठीक है, जिससे कि फाइनल प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है, तो हम बोलेंगे द मटेरियल विच इज द इंटीग्रल पार्ट। मटेरियल इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इज नोन एज डायरेक्ट मटेरियल। ए मटेरियल विच कैन बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द फाइनल प्रोडक्ट इज अ डायरेक्ट मटीरियल। वेयर इज द मटीरियल विच हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट बट डज नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, बट डज नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटीरियल। इट इज कॉल्ड, समझ में आपकी बात? तो आप पहले ये चार्ट बनाइए। मैंने अभी मटेरियल का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया, लेबर का भी बताऊंगा और एक्सपेंसेस का बताऊंगा और भी चीजें दिखाऊंगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। बना लिया? आगे चल सकता हूं? चलिए, अब मैं लेबर के बारे में बात करता हूं। किसके बारे में? तो मैंने मटेरियल बताया कौन सा होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब लेबर के बारे में जरा बात करें। लेबर कौन कौन सी हो सकती है हमारे पास? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है कि नहीं। तो देखिए, पहले मैंने डायरेक्ट मटेरियल बताया था, क्या लिखा है आपके सामने? अभी क्या डेफिनेशन बताई थी? द मटेरियल विच बिकम्स इंटीग्रल पार्ट, क्या बोलते हैं, ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट एंड विच कैन बी कन्वीनियंटली असाइन टू द स्पेसिफिक फिजिकल यूनिट इज टर्म्ड एज डायरेक्ट मटेरियल। क्लियर है? नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल अभी मैंने बताए थे,
हाँ जी हो गया। अब देखिए मेरे डायरेक्ट मटेरियल कौन से होते हैं, जैसे हमने प्रोडक्ट बनाना है, मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया था जूता बनाना है, तो मुझे एक पर्टिकुलर टाइप का लेदर चाहिए, तो मैं मार्केट से वो लेदर मंगवाऊंगा या स्टोर से मंगवाऊंगा, या शर्ट बनानी है कॉटन शर्ट बनानी है तो कॉटन फैब्रिक में मार्केट से मंगवाऊंगा या स्टोर से मंगवाऊंगा, स्टोर में पड़ा तो वो सारा मटेरियल जो हम स्पेसिफिकली परचेज करते हैं या फिर हम स्टोर से मंगवाते हैं क्या बनाने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट। पर एक चीज याद रखो, जो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, तो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, मान लीजिए हमने रॉ मटेरियल पूरा ट्रक भर के चेन्नई से मंगवाया, रॉ मटेरियल 10 लाख का था, वो ट्रक भर के चेन्नई से आया, किराया लगा 1 लाख रुपया, कितना, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट 10 लाख नहीं मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी, 11 लाख, क्या मानी जाएगी, 10 लाख का ट्रक था, 1 लाख रुपए क्या हुआ, कैरेज, तो वो उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो इसमें बेशक लिख दो कैरेज इन वर्ड, या इसको हम बोलते हैं कैरेज ऑन परचेजेस, क्या बोलते हैं, यहां पर एक चीज और जोड़ लो, कैरेज ऑन परचेजेस, वो भी डायरेक्ट मटेरियल का हिस्सा है, कैरेज ऑन परचेजेस, ठीक है, और कैरेज इन वर्ड भी बोलते हैं, कैरेज, कैरेज आउटपुट, कैरेज ऑन सेल्स होता है, क्या होता है, वो परचेज, वो रॉ मटेरियल का हिस्सा नहीं होता, कैरेज ऑन परचेजेस किसका हिस्सा है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। अब जैसे प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, बेटा दो तरह की पैकिंग होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, क्या होती है, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग की जानी है, वो बिना पैकिंग के बिक ही नहीं सकता, वरना उसकी क्या हो जाएगी, क्वालिटी डिटेरियोरेट हो जाएगी। अब जैसे दूध बेचना है तो वो टेट्रा पैक में बिकता है, जूस बेचना है तो टेट्रा पैक में बिकता है, हाँ या ना, तो आपको लगता है कि दूध या जूस को अगर हम टेट्रा पैक में ना रखें तो वो ज्यादा दिन चलेगा, दुकानों पे बिक पाएगा, तो हम शॉपकीपर को कैसे देंगे, शॉपकीपर को बाल्टी में दे आएंगे दूध कि ले भाई मग्गे से बांटता रहे, या जूस दे आए कि लो भाई ग्लास भर भर के लोगों को क्या करते रहो, तो टिकेगा ज्यादा दिन उसकी क्वालिटी। तो टेट्रा पैक अगर उसका है तो वो आपको पता है जूस 6-6 महीने भी टिक जाता है, दूध भी टिक जाता है, ठीक है कि नहीं, वो प्राइमरी पैकिंग है, क्या है, वो पैकिंग जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए जरूरी है, उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी पैकिंग, वो डायरेक्ट मटेरियल होता है ना। अब सेकेंडरी पैकिंग क्या है, आपने देखा कि बेटा जैसे चॉकलेट है, लेने जाते तो चॉकलेट खुली दे देते, उसका रैपर नहीं होता, रैपर होता है ना, अगर वो खुली दे दे तो मक्खियां भी बैठेंगे, हाथ भी गंदे मंदे लगेंगे, तो वो रैपर उसको प्रिजर्व करती है कि नहीं करती है। अब मान लीजिए कैडबरीज है, अब कैडबरीज की 5-6 तरह की चॉकलेट्स हैं, दिवाली के टाइम में 5-6 चॉकलेट्स को मिलाकर के एक गिफ्ट पैक बना देते हैं, क्या बना देते हैं, तो वो जो पैकिंग है उसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग, क्या बोलते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए या मार्केटेबल बनाने के लिए या उसकी सेल करने के लिए होती है, रादर देन प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्रिजर्व करने के लिए, समझ में आ गई बात, तो सेकेंडरी पैकिंग जो है वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, बट प्राइमरी पैकिंग क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है, समझ में आ गई बात। देन परचेज्ड और पार्टली प्रोड्यूस कंपोनेंट्स, परचेज्ड और पार्टली प्रोड्यूस कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे हमने कार बनाई मारुति ने, तो मारुति कार बनाती है तो कार के अंदर की हर चीज मारुति बनाती है, टायर भी मारुति बनाती है, बाहर से खरीदती है, स्टीयरिंग भी मारुति बनाती है, बाहर से खरीदती है, विंडशील्ड भी मारुति बनाती है, बाहर से खरीदती है, सीट भी मारुति बनाती है, बाहर से खरीदती है, समझ में आ गई बात। तो ये सारे क्या हैं, परचेज्ड और पार्टली प्रोड्यूस्ड कंपोनेंट्स, बाहर से खरीदे हुए कंपोनेंट्स हैं या पार्टली प्रोड्यूस्ड, मतलब पार्टली प्रोड्यूस कुछ पार्टली बने हुए और पार्टली हम बनाते हैं, वो भी किसका पार्ट हो गए, डायरेक्ट मटीरियल, समझ में आ गई बात। डायरेक्ट मटीरियल के ये और नाम है, इनको जानो, लिखो डायरेक्ट मटेरियल को किस किस नाम से जानते हैं हम, इसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, प्रोसेस मटेरियल बोलते हैं, प्राइम मटेरियल बोलते हैं, और प्राइम मटेरियल के बाद यहां कॉमा लगा लेना, प्रोडक्शन मटेरियल बोलते हैं, स्टोर्स मटेरियल बोलते हैं, कंस्ट्रक्शनल मटेरियल बोलते हैं, ये सब सब्स्टिट्यूट है रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल के, अलग अलग नाम है।
ठीक है, देन चलिए अब इसके बाद आ जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल. क्या बोलते हैं? अब इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है बेटा? मैंने बोला था अगर हम प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन करने के दौरान डायरेक्ट मटेरियल, अगर आपको ऐसा लगे कि ये थ्योरी है जो आप ये कर रहे हो, नहीं बच्चे ये आपको इमीडिएटली इसके बाद ना मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे ही तब जब आपको ये समझ पाओगे कि ये मटेरियल डायरेक्ट है या ये लेबर डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है. ठीक है, तो ये पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग का बेस है. ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आपको समझ में आ गई कहानी तो बहुत चीजें हल हो जाएंगी, और ये नहीं समझ में आई तो हमेशा कंफ्यूजन एंड तक बना रहेगा. हाँ जी, अब मैंने क्या बताया था कि इनडायरेक्ट मटेरियल क्या चीज होती है, कि भाई अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, जो मटेरियल यूज हो रहा है, मेन प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प तो कर रहा है, ठीक है कि नहीं, या मेन प्रोडक्ट को बेचने में हेल्प कर रहा है, पर ये मेन प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है. किसका? मेन प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है. समझ में आ गई बात? तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल. समझ में आ गई? जैसे एग्जांपल दिए थे कि कटिंग ब्लेड्स हैं, रेगमार्क अब्रेसिव्स उसे बोलते हैं, हाँ डिटर्जेंट्स हैं, स्टेन रिमूवर्स हैं, हाँ फ्यूएल है, ये सब क्या है? कंज्यूमेबल स्टोर्स, मतलब कॉटन, रॉ कॉटन है, हाँ ल्यूब्रिकेंट्स हैं, ये सब क्या हैं? क्या ये फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा बनते हैं? जो मशीन बनी है, जिस मशीन पे शर्ट बनी है उसमें हम ल्यूब्रिकेंट शर्ट पे लगा के भेजते हैं साथ में कि भाई देखो फलानी मशीन का ये इस ल्यूब्रिकेंट से चली थी, क्या वो शर्ट का हिस्सा बनता है ल्यूब्रिकेंट? नहीं बनता ना. आप जान पाते हैं? नहीं. कि किस डिटर्जेंट से ये कपड़ा धुल करके आया था जान पाते हैं? नहीं. ठीक है कि नहीं? तो ये सब इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में. इनको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल. क्या बोलते हैं इसको? तो इनडायरेक्ट मटेरियल कहां कहां यूज हो सकता है बेटा? एक चीज याद रखना, डायरेक्ट मटेरियल केवल फैक्ट्री में यूज होता है. कहां यूज होता है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के तीन फंक्शन होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा, और तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा सेलिंग एंड. बेटा जो मटेरियल है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है या indirect. वो केवल फैक्ट्री में डिस्टिंक्शन है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट की. मटेरियल फैक्ट्री में यूज हो रहा है तो आप देखोगे कि डायरेक्ट है, या अगर मटेरियल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में यूज हो रहा है तो वो कभी डायरेक्ट नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा? इनडायरेक्ट. मटेरियल अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हो रहा है वो कभी डायरेक्ट नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होगा? तो ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के डिफ्रेंसिएशन है केवल मैन्युफैक्चरिंग स्टेज तक है. कहां तक है? पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ क्या है? इनडायरेक्ट है. तो देखिए इनडायरेक्ट मटेरियल भी यूज इन द फैक्ट्री. इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है, और सेलिंग एंड जी. समझ में आई बात? ये इसको यहां अदर नेम्स की जगह बेटा लिख लेना एग्जांपल्स. क्या लिख लेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल इज ऑल्सो नोन एज की जगह लिख लेंगे एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल. क्या लिख रहे हैं? हम इसको लिख लेंगे एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल. ये नाम नहीं है, ये उनके एग्जांपल्स हैं. अब बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर है? देखो मैं छोटा सा एग्जांपल और समझाऊं. मान लो एक फैक्ट्री जिसमें रेडीमेड गारमेंट बन रहे हैं, शर्ट्स ही बन रही हैं, और हर शर्ट के ऊपर व्हाइट बटन लगते हैं. क्या लगते हैं? हजारों की तादाद में बटन लेके रखे हुए हैं, धागा भी लगता है सफेद वाला, ठीक है कि नहीं? तो धागे की रीलें भी बहुत सारी लेके रखी हुई है, सिलाई में यूज होती है. तो आप मुझे बता सकते हो कि धागा डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है? बटन डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है? क्यों इनडायरेक्ट है? क्यों इनडायरेक्ट है? क्या वो कमीज में लगा नहीं? क्या आप कमीज को देख नहीं सकते कि इसमें धागा लगा है कि नहीं? ये फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा है या नहीं है?
पर कितना धागा किस मशीन कमीज में लगा आप असाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। कभी कम भी लग सकता है, वेस्टेज भी हो जाती है, कभी ज्यादा भी लगता है। कितने बटन किस शर्ट में लगे गिन तो सकते हो, बटन टूट भी सकते हैं, कम भी लग सकते हैं। और ठीक है बेटा, ये जो चीजें हैं इनको हम डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते किसी शर्ट पे, इनका खर्चा। अब रील का खर्चा तो रील में से कितना धागा एक शर्ट में लग गया वो डायरेक्टली असाइन कर सकते हो? अच्छा, पर अगर मान लो कोई ब्राइडल ड्रेस बनी जिसके अंदर की चांदी के तार का उपयोग किया गया, किसका? चांदी के धागे, सोने के धागे का उपयोग किया गया, तो ये डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है? ये डायरेक्ट है, क्योंकि हमें डायरेक्टली असाइन करना पड़ेगा फलानी ड्रेस सोने के धागे से बनी है। हाँ या ना? ठीक है, फलानी ड्रेस में डायमंड्स लगे हैं या क्या लगे हैं, क्रिस्टल्स लगे हैं या मोती लगे हैं, अब बोलेंगे कि नहीं, तो वो डायरेक्टली असाइन किए जा सकते हैं। यस, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, दैट इज। बट जो कॉमन यूज की चीजें, कितनी लग गई कितनी नहीं लगी हम बता सकते हैं क्या? कितना धागा लग गया? अब धागे की इतनी मोटी रील थी, हम बैठे दिमाग खपाने की एक शर्ट में कितने धागे का खर्चा लग गया? नहीं लग गया। उसकी कॉस्ट को हम डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते, तो उसे बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या बोलेंगे? तो यहां क्लियरली लिखा है कि यहां लिखा है कि असाइन तो मैं कर सकता हूं, पर बड़ी मत्थापच्ची करनी पड़ेगी। तो क्या लिखा है कि कैन नॉट बी कन्वीनियंटली असाइंड। क्या लिखा है? वो मटेरियल जिसकी कॉस्ट हम फाइनल प्रोडक्ट में कन्वीनियंटली असाइन मतलब करेंगे तो बड़ी इनकन्वीनियंस होगी, खर्चे के मुकाबले में इतनी मेहनत करने का कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई मतलब बेनिफिट नहीं है। समझ में आ गई बात कि हम मत्था मारते रहे कि भाई कितना धागा एक कमीज में लग गया, तो उसको हम क्या मान लेते हैं? इनडायरेक्ट। समझ में आ गई बात? तो ये कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या होते हैं? वो सारी चीजें जैसे कंज्यूम होती हैं, जैसे धागा हो गया, बटन हो गए, लुब्रिकेंट्स हो गए, कॉटन वेस्ट हो गया, ये छोटी 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 चीजें कॉमन यूज की जो चीजें हैं इनको हम कंज्यूमेबल स्टोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देन ऑयल एंड वेस्ट हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। यस, इज दिस क्लियर? चलिए, तो बेटा अब डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल खत्म। अब बारी आ गई लेबर कॉस्ट की, किसकी? तो लेबर कॉस्ट क्या होती है? जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वर्कर्स क्या करते हैं? वर्कर्स अपनी स्किल्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? अपनी मेहनत उन पर लगाते हैं और रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करते हैं? फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो हम जब वर्कर्स को हायर करते हैं तो उनको वेजेस देते हैं, उन वेजेस को हम क्या बोलते हैं? लेबर कॉस्ट। तो ये जो वर्कर को हम वेजेस दे रहे हैं, क्या ये डायरेक्ट वेजेस है या इनडायरेक्ट वेजेस है? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वर्कर के वेजेस को फाइनल प्रोडक्ट में आप डायरेक्टली एसोसिएट कर सकते हो। ठीक है, मैं तीन चार शब्द लिखवा रहा हूं, जरा कॉपी पे लिख लो, लिख लीजिए, एसोसिएट, एसोसिएटेड, रिलेटेड, एसोसिएटेड, रिलेटेड, एट्रीब्यूटेड, असाइंड। मैंने चार शब्द लिखवाए हैं, ये क्यों लिखवाए हैं? आप एक सेकंड में आप डेफिनेशन याद हो जाएगी। अब मेरे से पूछो डायरेक्ट वेजेस क्या होते हैं? डायरेक्ट, ठीक है, तो मैं बोलूंगा वेजेस ऑफ द वर्कर, वेजेस ऑफ द विच कैन बी डायरेक्टली एसोसिएटेड, रिलेटेड, एट्रीब्यूटेड और असाइंड टू द फाइनल प्रोडक्ट, टू द आर डायरेक्ट वेजेस आर। ठीक है, अगर किसी वर्कर के वेजेस को हम इजीली और कन्वीनियंटली, इजीली और कन्वीनियंटली किसी फाइनल प्रोडक्ट से एसोसिएट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, जैसे एक फैक्ट्री के अंदर दर्जी हैं, वो पेंट बना रहा है, शर्ट बना रहा है, कोट बना रहा है, ठीक है कि नहीं, और एक दर्जी को पेंट बनाने के लिए 300 रुपए मिलते हैं, शर्ट बनाने के लिए 200 रुपए मिलते हैं, कोट बनाने के लिए 500 रुपए मिलते हैं, तो अगर हम एक दर्जी को 500 रुपए दे रहे हैं तो हम जानते हैं ना कि फलाना कोट इस दर्जी ने बनाया, तो इसके वेजेस हम डायरेक्टली किसकी कॉस्ट में जोड़ सकते हैं? कोट की कॉस्ट में। इस दर्जी ने पेंट बनाई तो इसके 300 रुपए हम डायरेक्टली किस में जोड़ सकते हैं? पेंट की कॉस्ट में। तो जब हम वर्कर के वेजेस को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट कर सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट से,
हाँ, अब एक बात बताओ, ये जो दर्जी जिस जगह पर बैठे थे, जिस डिपार्टमेंट में बैठे थे, उस वहां 100 दर्जी थे, कितने? और 100 दर्जी के ऊपर 5 सुपरवाइजर थे, हर सुपरवाइजर को 40,000 रुपए महीने की सैलरी मिलती है, क्या मिलती है? अब एक डिपार्टमेंट से कई सारे कोर्ट बन करके निकले, तो आप मुझे बता सकते हो किस सुपरवाइजर की सैलरी किस कोर्ट में जोड़ू? क्या सुपरवाइजर की सैलरी को आप इजीली और कन्वीनियंटली कोर्ट की कॉस्ट से एसोसिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं, दर्जी की उसको तो कर सकते हैं, इस दर्जी ने ये कोर्ट बनाया तो 500 रुपए जोड़ दो, पर क्या सुपरवाइजर की सैलरी को जोड़ सकते हो? नहीं। अब ये दर्जी ना खाना पीना भी खाते हैं, इनको कैंटीन से फ्री में खाना मिलता है, कैंटीन डिपार्टमेंट में भी क्या होता है, हम कैंटीन डिपार्टमेंट के लोगों को भी सैलरी देते हैं, तो कैंटीन डिपार्टमेंट के लोगों की कितनी सैलरी मैं कोर्ट में जोड़ दूं? डायरेक्टली जोड़ सकता हूं कोई? ऐसे फैक्ट्री का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, उनकी भी सैलरी जाती है, कितनी सैलरी मैं कोर्ट में जोड़ दूं, जोड़ सकता हूं क्या? नहीं। स्टोर्स डिपार्टमेंट है, मैं स्टोर डिपार्टमेंट स्टोर कीपर की कितनी सैलरी कोर्ट में जोड़ दूं? मैनेजिंग डायरेक्टर उसकी कितनी सैलरी मैं कोर्ट में जोड़ दूं, बताओ, जोड़ सकते हो कन्वीनियंटली? डायरेक्टली और कन्वीनियंटली जोड़ सकते हो, असाइन कर सकते हो? क्या ये डायरेक्टली जोड़ सकते हो? जो डायरेक्टली जोड़ सकते हो वो डायरेक्ट खर्चा, जो डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, जुड़ तो सब सकता है, जुड़ तो बांट तो मैं सारी कॉस्ट कर सकता हूं, दिमाग मेरे में है, आप में भी है, कैलकुलेटर भी है, सब कर सकते हो, पर क्या डायरेक्टली जोड़ सकते हो? कह सकते हो कि मैनेजिंग डायरेक्टर को सैलरी इसी कोर्ट की वजह से मिली? हाँ, दर्जी को 500 रुपए इसी कोर्ट की वजह से मिले, मैं कह सकता हूं। सुपरवाइजर की सैलरी उसको इस कोर्ट की वजह से मिली, कह सकते हो? नहीं कह सकते, डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते ना, तो वो डायरेक्ट वेजेस नहीं है, वो क्या है? इनडायरेक्ट वेजेस। जुड़ना सब कुछ है, जुड़ना सब कुछ है, डायरेक्ट भी जुड़ना है, और कॉस्ट निकालते वक्त, टोटल कॉस्ट निकालते वक्त सब कुछ जुड़ेगा, डायरेक्ट भी जुड़ेगा और, पर हम ये जानना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट क्या और भाई, डायरेक्ट वही जो डायरेक्टली जुड़ जाए, इनडायरेक्ट वो जो आसानी से ना जुड़े, समझे? तो वो वेजेस जो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड डायरेक्ट वेजेस, रेस्ट आर इनडायरेक्ट वेजेस। वेरी सिंपल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब समझ में आ गया। लिखा है कन्वीनियंटली ट्रेसेबल टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ट्रेसेबल मतलब हम जोड़ सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि ये इसी प्रोडक्ट की वजह से होंगे। मान लीजिए हम बात करते हैं, इसी क्लास के अंदर एक टीचर पढ़ाने आता है और इस क्लास के अंदर आप सब बच्चे बैठे हैं, उस टीचर को 1,000 रुपये घंटा सैलरी मिलती है, तो बताइए क्या वो 1,000 रुपये घंटा जो सैलरी टीचर को मिली, क्या वो डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है? कैसे आप बता सकते हैं किस बच्चे को उसके पढ़ाने के लिए उसे मिले? एक घंटे में तो मिला, पर बात तो प्रोडक्ट की हो रही है, क्या हम प्रोडक्ट से रिलेट कर सकते हैं? प्रोडक्ट यहां क्या है? स्टूडेंट्स जिनको सर्विसेज देनी है, तो कॉमन सर्विसेज दे रहे हैं, किस बच्चे के लिए से मिली बोल सकते हैं? नहीं। पर मान लीजिए अगर एक टीचर प्राइवेट ट्यूशन देता और एक स्टूडेंट को यहां पर पढ़ाने आता है और उसको 1,000 रुपए मिलते, तो मैं बोल सकता हूं ये उसी स्टूडेंट की वजह से, हाँ या ना? तो जब हम कन्वीनियंटली असाइन कर सकते हैं कि किसकी वजह से, तब वो डायरेक्ट है, वरना क्या है? ठीक है, तो बेटा डायरेक्ट लेबर के और नाम है, प्रोसेस लेबर, प्रोडक्टिव लेबर, ऑपरेटिंग लेबर, मैन्युफैक्चरिंग लेबर, ठीक है कि नहीं, और डायरेक्ट वेजेस एटसेट्रा, ये उनके और दूसरे नाम, ये सब नाम याद करने हैं आपको। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सिखा रहा हूं ये बेस है बेटा, फाउंडेशन है, फाउंडेशन वीक तो बिल्डिंग गिर जाएगी, तो ये जो आपको अभी सिखाया जा रहा है वो इतने अच्छे तरीके से लर्न करना है कि आपको ये हमेशा याद रहे, हर हफ्ते उठा करके पहले चैप्टर को रिवाइज कर लो, चाहे आसान लगे, चाहे लगे आता है, पर बहुत
सालों बाद भी, बहुत सारे बाद भी बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं नहीं समझ पाते कि डायरेक्ट क्या और इनडायरेक्ट क्या, ठीक है कि नहीं, छोटी छोटी चीजें में मार खा जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जितना इसका रिवीजन करोगे उतना समझ में आएगा। हाँ जी, चला जाए आगे। अब हमने डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कर लिया, ठीक है, और इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर कर लिया, बचा क्या? एक्सपेंसेस। क्या बच गया? तो अब हम करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। चले आगे। आई इनडायरेक्ट लेबर क्या चीज होती है? भाई देखिए, सीधी सी बात है, ये तो अभी बता दिया ना, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट तो बता दिया था, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है? वो लेबर कॉस्ट जो कि हम डायरेक्टली और कन्वीनियंटली किसी प्रोडक्ट के साथ हम एसोसिएट रिलेट नहीं कर सकते, सो दैट लेबर कॉस्ट विच कैन नॉट बी इजिली एंड कन्वीनियंटली एसोसिएटेड, एट्रीब्यूटेड, रिलेटेड और असाइंड। वो चार वर्ड सिखाए हैं ना, तो डेफिनेशन बन गई टू अ फाइनल प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर की बात कर रहे हैं, दैट लेबर कॉस्ट विच कैन नॉट बी डायरेक्टली इजिली और कन्वीनियंटली असाइंड टू और रिलेटेड टू और एसोसिएटेड टू अ फाइनल प्रोडक्ट इज नोन एज मैंने एग्जांपल दिए थे, वेजेस ऑफ स्टोरकीपर, वेजेस ऑफ फोरमैन, है ना, डायरेक्टर बताया था, कैंटीन स्टाफ, ये सब एग्जांपल दिए थे। बेटा जो डायरेक्ट लेबर होती है ना, वो डायरेक्ट लेबर पे ही निर्भर करता है कि प्रोडक्ट असल में कैसा तैयार होता है। इनडायरेक्ट लेबर प्रोडक्ट की क्वालिटी या प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को अफेक्ट नहीं करती, ठीक है ना। डायरेक्ट लेबर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है।
हाँ जी, क्लियर है? डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर. नाउ लेट्स मूव टू द डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए भी वही चार शब्द याद रख लो, एसोसिएटेड, रिलेटेड, एट्रीब्यूटेड और असाइंड. तो हम ये बोलेंगे दोज एक्सपेंसेस, दोज विच कैन बी डायरेक्टली एंड कन्वीनियंटली, विच कैन बी डायरेक्टली एंड एसोसिएटेड, रिलेटेड, एट्रीब्यूटेड और असाइंड टू द फाइनल प्रोडक्ट, टू द दे आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्या बोलते हैं? लिखवा दूं कॉपी पे? लिखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डेफिनेशन. लिखो दोज एक्सपेंसेस विच कैन बी डायरेक्टली एंड कन्वीनियंटली एसोसिएटेड विद या एसोसिएटेड कॉमा एट्रीब्यूटेड कॉमा रिलेटेड टू द फाइनल प्रोडक्ट आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, यहां पर जो शब्द उन्होंने यूज किया, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट. कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट वो चीज होती है जिस जो हमारा जिसके लिए हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं. ठीक है कि नहीं? तो जैसे अगर हम जूते बनाते हैं तो हमारा कॉस्ट सेंटर क्या है? वन पेयर ऑफ शू. ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर क्या हो सकता है? प्रोडक्ट भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, उनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. तो आगे जाके इनकी डेफिनेशन आएंगी. कॉस्ट सेंटर किसे बोलते हैं, कॉस्ट यूनिट किसे बोलते हैं. जैसे वन पेयर ऑफ शू इज ए कॉस्ट यूनिट. ठीक है कि नहीं? वन शर्ट इज ए कॉस्ट यूनिट, राइट? तो कॉस्ट सेंटर एक डिपार्टमेंट हो सकता है, एक मशीन हो सकती है, एक पर्सन हो सकता है, क्या सबका कॉम्बिनेशन हो सकता है. तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं. ये मीनिंग है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का. डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक और नाम है, सिर्फ एक और नाम है, उसको हम बोलते हैं चार्जेबल एक्सपेंसेस. क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का सिर्फ एक और नाम है. क्या नाम है? चार्जेबल एक्सपेंसेस. ठीक है, चले लिखना है, लिख लीजिए. बात तो वही है, लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. लिखिए, आप ही लोगों के लिए. जी हो गया जी. ठीक है, आइए अब अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो उल्टा कर दो, विच आर नॉट, विच आर की जगह वही जो डेफिनेशन लिखवाइए ना, तो वो क्या लिखेंगे? दोज एक्सपेंसेस, ठीक है, विच कैन नॉट बी डायरेक्टली और कन्वीनियंटली एलोकेटेड, एसोसिएटेड, वो शब्द लिखवाए ना, कैन बी की जगह कैन नॉट बी कर दो, तो बस वो डेफिनेशन हो गई.
एग्जाम्पल दे सकते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के? अच्छा एक बात तो तुम्हें समझ में आ गई थी ना, तो ऑर्गेनाइजेशन में तीन फंक्शन होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डिफरेंशिएशन केवल मैन्युफैक्चरिंग में होती है। किसमें होती है? ऑफिस और सेलिंग में हर चीज इनडायरेक्ट होती है, चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे एक्सपेंस हो। याद रहेगा? क्लियर? एग्जाम्पल दे सकते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के? फैक्ट्री का रेंट क्या है? मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंस है। रेंट क्या चीज होती है? मटेरियल होता है, लेबर होता है, एक्सपेंस होता है। डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट। क्या है? क्यों? जैसे फैक्ट्री में शर्ट बन रही है तो किराया पर शर्ट जाता है क्या? अब बता सकते हो एक शर्ट के लिए कितना किराया? नहीं ना, तो पूरा महीने का जाता है, पीरियोडिकली जाता है। जाता कि नहीं जाता? ठीक है, ऐसे डेप्रिसिएशन, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे इंश्योरेंस, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। हाँ या ना, ये सारे इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल दे सकते हो? कॉटन फैब्रिक जो हमने लिया है, वो तो मटेरियल है, एक्सपेंस डायरेक्ट। वही चीज डायरेक्ट भी हो सकती है, वही चीज इनडायरेक्ट भी हो सकती है। बस यही कंसर्न समझना है कि डायरेक्ट कब। और मान लो हम ये पेन बनाते हैं, ठीक है, पेन ये बनाते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, हमने जापान से ली। जापान की जो कंपनी है उन्होंने हमें ये पेन बनाने के लिए टेक्नोलॉजी दे दी और परमिशन दे दी, बोला कि आप प्रोडक्शन करिए इंडिया में। बदले में वो हमसे रॉयल्टी लेंगे। क्या लेंगे? ठीक है, 1000 रुपए का ये पेन बिकता है और वो हर पेन की रॉयल्टी में 100 रुपए लेंगे। कितनी? तो रॉयल्टी बताइए, मटेरियल है क्या? ये मटेरियल से जुड़ी हुई कॉस्ट है क्या? रॉयल्टी मटेरियल होती है? जब किसी से आप टेक्नोलॉजी लेते हो, कॉपीराइट्स लेते हो, तो बदले में क्या देनी पड़ती है? रॉयल्टी। समझते हो ना? रॉयल्टी क्या मटेरियल की कॉस्ट है? क्या रॉयल्टी लेबर की कॉस्ट है? उसे हम क्या बोलेंगे फिर? एक्सपेंस। अब रॉयल्टी पर पेन 100 रुपए की है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? पर पेन है ना, हर पेन से डायरेक्टली एसोसिएट होगी। एक पेन तो 100 रुपए, दो पेन तो डायरेक्ट एक्सपेंस। पर मान लो वो कहते नहीं, साल की हमें 1 करोड़ की रॉयल्टी चाहिए। क्या चाहिए? तुम पेन कम बनाओ, ज्यादा बनाओ, तो हम तो ईयरली तुम्हें राइट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ईयरली राइट दे रहे हैं, जितने मर्जी पेन बनाने हैं बना लो, एक साल में 1 करोड़ की रॉयल्टी। क्या है? तो बताओ, रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली और कन्वीनियंटली, वैसे बांट तो मैं सकता हूं पेन में, वो बांट दूंगा, बट डायरेक्टली और कन्वीनियंटली असाइन कर सकता हूं। वहां डायरेक्टली और कन्वीनियंटली पर पेन असाइन किया गया था 100 रुपए, यहां पीरियोडिकली पर ईयर लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? जो खर्चा पीरियोडिकली हो, क्या हो? पर पीरियड चेंज हो, तो वो इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है? और जो खर्चा पर प्रोडक्ट डायरेक्टली जो हो, वो डायरेक्ट होता है। समझे? वही रॉयल्टी में पर पेन बोलता हूं तो डायरेक्ट हो जाती है, पर पीरियड बोलता हूं तो, पर मंथ बोलू या पर ईयर बोलू तो क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट। समझ में आ गई बात? किस प्रकार से देखना है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? अब समझ में आ गई बात? चलिए अब एक काम करते हैं। आप लोगों ने देखा कॉस्ट, तीन तरह की कॉस्ट जो होती है उसके तीन एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? मटेरियल, लेबर एंड, और सारे के सारे या तो डायरेक्ट होंगे या, तो एक काम करते हैं, मैंने कॉस्ट को दो हिस्सों में बांट दिया, या तो डायरेक्ट कॉस्ट या, तो डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट में क्या आएगा? इंटरमीडिएट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट। तो इनको जोड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट को जोड़ दो तो वो क्या कहलाती है? प्राइम कॉस्ट या प्राइमरी कॉस्ट, यस और नो? और इनडायरेक्ट कॉस्ट को जोड़ दो तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स।
इनडायरेक्ट कॉस्ट को जब जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कई बार बच्चे एक्सपेंस को ओवरहेड बोलते हैं. नो 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 नो, एक्सपेंस ओवरहेड नहीं होता. एक्सपेंस तो डायरेक्ट भी हो सकता है और ठीक है, ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो एक्सपेंस हो, सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ओवरहेड्स बोलते हैं. ठीक है, चलिए अब एक बात बताओ, डायरेक्ट कॉस्ट कहां हो सकती है? तीन जगह मैं बता रहा हूं, फैक्ट्री, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. डायरेक्ट कहां, डायरेक्ट कॉस्ट कहां हो सकती है? फैक्ट्री, ऑफिस या सेलिंग में. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट केवल कहां हो सकते हैं? फैक्ट्री में. ऑफिस और सेलिंग में सब क्या होता है? तो ये जो आपके पास इनडायरेक्ट कॉस्ट है ये कहां कहां हो सकती है? डायरेक्ट तो केवल फैक्ट्री में होगी, चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे, पर इनडायरेक्ट कहां कहां हो सकती है? फैक्ट्री में भी हो सकती है, ऑफिस में भी हो सकती है. ऑफिस में सब कुछ इनडायरेक्ट होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी. यस और नो? तो ये जो ओवरहेड्स हैं वो तीन तरह के होते हैं. देखो कौन कौन से. प्राइम कॉस्ट तीन तरह की नहीं होगी, प्राइम कॉस्ट तो केवल फैक्ट्री में ही होती है, समझे. और आपके पास ओवरहेड्स तीन तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से? फैक्ट्री, फैक्ट्री का सब्स्टिट्यूट वर्ड है वर्क्स ओवरहेड्स. क्या बोलते हैं? या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. ठीक है कि नहीं? फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, या इसको हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी बोल सकते हैं. ओवरहेड्स का मतलब क्या था बेटा? ओवरहेड्स का मतलब क्या था? हेलो, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस प्लस. तो अगर मैं बोलूं प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्ट मटेरियल जमा इनडायरेक्ट वेजेस जमा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पर? फैक्ट्री में. कहां पर? अगर फैक्ट्री वाले इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स. क्या बन जाएगा? और ऑफिस के अंदर तो कुछ डायरेक्ट होता ही नहीं, ऑफिस में तो कुछ डायरेक्ट, ठीक है. तो ऑफिस में अगर मटेरियल है तो वो भी इनडायरेक्ट, लेबर है तो वो भी इनडायरेक्ट, एक्सपेंस है तो वो भी, ठीक है. तो अगर आप ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. यस, क्लियर? ओवरहेड वर्ड का ही मतलब क्या होता है? जब मैं बोलता हूं फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या बोलता हूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट वेजेस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. वेयर? इन फैक्ट्री. इन, डू यू अंडरस्टैंड? जब मैं बोलता हूं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट वेजेस प्लस इनडायरेक्ट. वेयर? इन ऑफिस. एंड जब मैं बोलता हूं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट वेजेस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. वेयर?
इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्या बोलेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. डू यू गेट द पॉइंट? ओवरहेड्स का मतलब ही होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, और कॉस्ट के तीन पार्ट होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवर एक्सपेंसेस. हाँ जी, बात समझ में आती है? क्लियर? अब एक पीछे चलते हैं. ये टोटल कॉस्ट थी, क्या थी? कॉस्ट किसके बराबर थी? डायरेक्ट कॉस्ट. और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? ओवरहेड्स. ओवरहेड्स कितने प्रकार के? अभी मैंने बताए तीन प्रकार के ओवरहेड्स बताए. कौन कौन से? ये फैक्ट्री ओवरहेड हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो सकते हैं, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. हाँ या ना? तो इनडायरेक्ट कॉस्ट तीन तरह की, डायरेक्ट एक ही तरह की. डायरेक्ट तो केवल फैक्ट्री में ही होती है. तो अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, क्या निकालनी है? टोटल कॉस्ट किसके बराबर है? डायरेक्ट कॉस्ट प्लस. तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? प्राइम कॉस्ट. यस और नो? इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? ओवरहेड्स. तो ओवरहेड्स कितने तरह के हैं? पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर कौन से? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और फिर कौन से? तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर हो गई? इन चार चीजों को जोड़ दो तो कॉस्ट निकल आएगी. कौन कौन सी? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस प्लस इज इक्वल टू, नोट करो, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी हो, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी हो तो आप क्या जोड़ोगे? पहले नंबर वन क्या लोगे? प्राइम कॉस्ट. नंबर टू क्या लोगे? नंबर थ्री, नंबर फोर. कोई दिक्कत? अगर मैं आपसे बोलूं कि फलाने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालो तो क्या सिस्टम याद रहेगा? सबसे पहले क्या लूंगा मैं? प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल जमा डायरेक्ट वेजेस जमा डायरेक्ट एक्सपेंसेस. फिर फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब फैक्ट्री में होने वाला इनडायरेक्ट मटेरियल जमा इनडायरेक्ट लेबर जमा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. फिर क्या पर? एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस ओवरहेड मतलब ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन में होने वाला इनडायरेक्ट मटेरियल जमा इनडायरेक्ट लेबर जमा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में होने वाले इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. सीक्वेंस बन गई, समझ में आ गया? चले आगे. अब आपको हम बात करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स की. किसकी बात करेंगे? ये रेजी फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो बताओ बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं? अब मैं बता चुका हूं तुम्हें, खुद से बताओ फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं. ओवरहेड्स का मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट के तीन पार्ट होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस. मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल जमा इनडायरेक्ट लेबर जमा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये तो ओवरहेड हो गया. और जब मैं बोलूं फैक्ट्री ओवरहेड्स तो मतलब लिखवाया भी था, इनडायरेक्ट मटेरियल जमा लेबर जमा इनडायरेक्ट, कहां पर? उसी को फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलते हैं. देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है, नोट करो. अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है तो सेम नहीं भी लिखते हो, लैंग्वेज सेम नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सही लिख रहे हो. लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है. जो बच्चे ये बेसिक चैप्टर भूल जाते हैं या नहीं किया होता, वो बेचारे कॉस्ट अकाउंटिंग करते तो हैं
पर आधी समझ में आती है उनको, आधी समझ में जी क्लियर है। चलिए फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं भाई, मेरे को भूल गया फिर से, क्या आता है? इनडायरेक्ट व्हाट? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वेरी गुड, तीन पार्ट आते हैं। अच्छा अब आपने मुझे क्या करना है, कोई भी एक इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लो। क्या ले लो? कोई भी एक इंडस्ट्री ले लो, शुगर इंडस्ट्री, हाँ मतलब गारमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, कोई भी एक इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लो और मुझे फैक्ट्री के इनडायरेक्ट मटेरियल के एग्जांपल्स बताओ। चलो फैक्ट्री में इनडायरेक्ट मटेरियल के तीन एग्जांपल बताओ मिनिमम। कौन बताएगा? कोई भी इंडस्ट्री ले लो एग्जांपल, जो समझ में आता है। कोई भी ले लो, कोई इंडस्ट्री ले लो, क्या फर्क पड़ता है? फैक्ट्री में इनडायरेक्ट मटेरियल के तीन एग्जांपल दे दो, कोई भी ले लो। आपने शुगर बोला, शुगर ले लो, जो पसंद है वो ले लो। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोजेक्टर बनाते हैं, कैमरा बनाते हैं, स्क्रीन बनाते हैं, पोडियम बनाते हैं, जूते, कपड़े, घड़ी, कुछ ले लो। 3600 इंडस्ट्रीज हैं, कुछ किसी भी एक फैक्ट्री का एग्जाम्पल ले लो और वहां मुझे तीन इनडायरेक्ट मटेरियल के एग्जाम्पल बता दो। फैक्ट्री में तीन चीजें होती है ना, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो तीन एग्जांपल मुझे इनडायरेक्ट मटेरियल बता दो, तीन एग्जांपल इनडायरेक्ट लेबर बता दो, तीन एग्जांपल बता दो। क्या देर लगेगी, फटाफट बोलो। फैक्ट्री में झाड़ू पोछा होता है? होता है, पड़ा होता है? डस्टर्स एंड ब्रूम्स होता है या नहीं होता है? मटीरियल होता है, वो लेबर होती है। झाड़ू पोछे को मटीरियल बोलते हैं या लेबर बोलते हैं? अच्छा एक्सपेंस होता है, झाड़ू पोछा मटेरियल नहीं होता। खुद मटेरियल मतलब हम तो हम लेबर की थोड़ा बात कर रहे हैं, हम तो झाड़ू पोछे की बात कर रहे हैं। खरीदना पड़ता है या नहीं, मटेरियल है या नहीं? जूते की फैक्ट्री में झाड़ू पोछा खरीदा तो क्या वो जूते में लगेगा? वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। हाँ है या नहीं है? डिटर्जेंट्स हैं, ल्यूब्रिकेंट्स हैं, रॉ कॉटन है, अभी 36 एग्जांपल दिए थे, फ्यूल है, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं होते? कंज्यूमेबल स्टोर्स वगैरह मैंने बोले थे, बोले थे। अब इनडायरेक्ट लेबर के एग्जांपल दो तीन। हाँ चलो वेरी गुड, जो कैंटीन में काम करेगा वो भी इनडायरेक्ट लेबर है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी इनडायरेक्ट लेबर है क्योंकि वो कोई प्रोडक्शन थोड़ा कर रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है क्या? सुपरवाइजर, चौकीदार, सिक्योरिटी स्टाफ, स्टोर्स डिपार्टमेंट, अकाउंट स्टाफ, ये सारे क्या हैं? इनडायरेक्ट। आर दे डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल, रेंट, वेरी गुड, इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ये सारे क्या हैं? ठीक है, आइए जरा अब इनके आपको इनडायरेक्ट
मटेरियल के एग्जांपल्स दिखाएं, जरा देखिए एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल देखिए, ठीक है। ऑफिस में प्रिंटिंग स्टेशनरी हो सकती है, कहां, फैक्ट्री में, फैक्ट्री में प्रिंटिंग स्टेशनरी हो सकती है या नहीं, हो सकती है ना, हो सकती है कि नहीं, तो प्रिंटिंग स्टेशनरी, स्मॉल टूल्स, स्मॉल टूल्स कौन से, लिख लो कंज्यूमेबल नेचर के, कौन से, अगर ड्यूरेबल नेचर के, जैसे ड्रिल है, ड्रिल तो ड्यूरेबल नेचर की, बट ड्रिल की बिट कंज्यूमेबल नेचर की है, बिट थोड़ी टाइम में खराब हो जाती है, कंज्यूमेबल नेचर की है, तो वो यहां आएगी, बट ड्रिल नहीं आएगी, ड्रिल तो असेट है, ड्रिल तो, ठीक है ना। मटेरियल और असेट में क्या अंतर होता है, असेट तो सालों साल चलती है, मटेरियल कंज्यूम हो जाता है, आए ना, ये एग्जांपल्स हैं जी किसके, इनडायरेक्ट, लेबर के बारे में, इनडायरेक्ट लेबर, अब इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगा, जिनके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे भूल जाते हैं अक्सर। जिनके ऊपर मैंने स्टार लगाया ना, हैं तो सारे इनडायरेक्ट लेबर के एग्जांपल, जो स्टार लगाया इनको अच्छे से याद रखना, क्योंकि दिखने में, यहां दिखने में लगेगा आसान है, अच्छे सर इसमें कौन सी बड़ी बात, पर नहीं, जब क्वेश्चन आएगा तो उस समय बिल्कुल दिमाग बाहर चला जाएगा खिड़की से, फिर कहेंगे कि सर ये क्या है। ये जो आप लिख रहे हैं ये घर जाके याद करना है, आज अगली क्लास में पूछूंगा,
जी क्या कहते हैं, हो गया। इसके आगे इनडायरेक्ट लेबर के कुछ और एग्जांपल हैं, आइए देखें कौन से लेबर के और एग्जांपल। अच्छा लेबर खत्म हो गया, फैक्ट्री और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल, लेबर खत्म हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल किसके बेटा, एक्सपेंसेस के काफी सारे एग्जांपल है, फिर इनमें से मैं कुछ मार्क करके दे रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आता, ये आपने ये लिख लिया था ड्रॉइंग ऑफिस, समझ लिया था। अब ड्रॉइंग ऑफिस देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं ऑफिस ओवरहेड है, ये ऑफिस नहीं है, फैक्ट्री, ड्रॉइंग ऑफिस फैक्ट्री में होता है, ड्रॉइंग ऑफिस वहां होता है जहां ड्रॉइंग्स बनाई जाती है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट के मैप्स और लेआउट्स बनाए जाते हैं, और ड्रॉइंग ऑफिस हमेशा फैक्ट्री में होता है, कहां होता है समझ में आ गई बात, ऑफिस में नहीं होता। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं इनमें इंपॉर्टेंट आपको मार्क करके दे रहा हूं, जिनमें कंफ्यूजन रहता है, एक्सपेंसेस के भी और भी एग्जांपल्स हैं, पहले ये कुछ एग्जांपल्स, हाँ जी। अब देखो बेटा ये एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस, कई बार हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, कई चीजें देखनी पड़ती हैं, तो एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस कहां में जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ऐसे ही वर्कर के ऊपर जो हमने वेलफेयर एक्टिविटीज की, जैसे उनके लिए कैंटीन है, ठीक है कि नहीं, हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, उनसे रिलेटेड जो उनको हमने खर्चा किया, ठीक है, तो वो बच्चे सोचते हैं लेबर कॉस्ट है, लेबर नहीं है, एक्सपेंसेस में आएगा, किस में आएगा, वर्कर के ऊपर जो हमने खर्चा किया उनकी कैंटीन के ऊपर, उनको वेजेस दिए, वो लेबर कॉस्ट है, पर उनके बेनिफिट के लिए स्कूल, कैंटीन, ठीक है कि नहीं, हॉस्पिटल्स, इस तरह के खर्चे किए, तो वो सारे किस में आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, किस में। अब सब्सक्रिप्शन टू टेक्निकल जर्नल, जर्नल मतलब होता है मैगजीन, टेक्निकल जर्नल का मतलब होता है टेक्निकल मैगजीन, मतलब जहां पर मशीनों के बारे में जानकारी होती है जिस मैगजीन में, तो वो मैगजीन फैक्ट्री में लगाई जाती है, कहां लगाई जाती है, तो मैगजीन जब आप मंथली खरीदते हैं 1000 रुपया देते हैं या साल का 1000 रुपया देते हैं, ठीक है, तो जो मैगजीन आपने लगवा रखी है फैक्ट्री में आती है, जो वर्कर के काम आती है, पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सी मशीन कौन सी नई आई है, कैसे काम करेगी, तो उसे क्या बोलते हैं, टेक्निकल जर्नल, क्या बोलते हैं, समझ में आ गई। एक होता है ट्रेड जर्नल, क्या होता है ट्रेड जर्नल, ये होता है कि कौन सी कंपनी क्या माल बना रही है, क्या बिक रहा है, वो अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, किस में आता है, सब्सक्रिप्शन टू ट्रेड जर्नल कहां आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और सब्सक्रिप्शन टू टेक्निकल जर्नल कहां आएगा, फैक्ट्री में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है बात, ठीक है। एक होता है ट्रेड सब्सक्रिप्शन, क्या होता है, जैसे हम ट्रेड यूनियन के मेंबर बनते हैं,
फिक्की के मेंबर बनते हैं, चैंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बनते हैं, तो वहां उनको हम अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं ईयरली. क्या देते हैं? उसको बोलते हैं ट्रेड सब्सक्रिप्शन. क्या बोलते हैं? वो भी इनडायरेक्ट खर्चा है. ये तीनों इनडायरेक्ट खर्चे हैं. सब्सक्रिप्शन ऑफ टेक्निकल जर्नल इनडायरेक्ट खर्चा है पर ये फैक्ट्री का है. सब्सक्रिप्शन ऑफ ट्रेड जर्नल ये भी इनडायरेक्ट खर्चा है पर सेलिंग का है. और ट्रेड सब्सक्रिप्शन में इनडायरेक्ट खर्चा है पर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का है. किसका है? तो तीनों मिलते जुलते चीजें मैंने बताई आपको. क्या क्या बताया? सब्सक्रिप्शन टू टेक्निकल जर्नल फैक्ट्री में, सब्सक्रिप्शन टू ट्रेड जर्नल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रेड सब्सक्रिप्शन ट्रेड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्लियर है? ये भी आएंगे आगे, दिखाता जा रहा हूं. क्लियर है? चले आगे. हॉलेज इसको मार्क करेंगे, बाइंग एक्सपेंसेस. ये मार्क करेंगे. ये सब फैक्ट्री के चल रहे हैं अभी. किसके चल रहे हैं? फिर ऑफिस आएगा, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा. मैंने बताया था ना वर्कर्स के लिए उनको घर देना, मेडिकल फैसिलिटी देना, उनके बच्चों को पढ़ाई की फैसिलिटी देना, ये सब चीजें, ये सब किस में आती हैं? ये लेबर कॉस्ट में नहीं आएंगे. किस में आएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. हाँ जी, आया समझ? चल सकते हैं आगे. इनमें से पूछूंगा और न्यूमेरिकल आएंगे. न्यूमेरिकल में आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज किधर आती है, कि फैक्ट्री में आती है, ऑफिस में आती है या सेलिंग में. मटेरियल है, लेबर है या एक्सपेंस है. देखिए जी,
डन। अब आज आपने कहां तक कर लिया, फैक्ट्री ओवरहेड्स, है ना। फैक्ट्री ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट मटेरियल भी खत्म हो गया, इनडायरेक्ट लेबर भी खत्म हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी खत्म हो गया। अब अगली क्लास में हम शुरू करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से, कहां से, ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फिर आपको हम कॉस्ट शीट बनाना सिखाएंगे। तो इतना सबने नोट कर लिया, ये रह गया, कर लिया सबने, चलिए हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।